अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा सब खैर से होंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को हर आने वाली कराची के मौसम से बड़ा वक्त अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को नाज़रीन बता दूँ कि ये अभी एक क्या नाम है एक अपडेट है, ये जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हमारे पास वो है। इसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ भी होती रहेंगी जिसके वजह से आप लोगों को बड़ा वक्त अपडेट किया जाता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कराची के मौसम से बात कर लेते हैं। तो कराची में पिछले तीन वर्ष से कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार है। आप लोगों ने खुद भी कराची वाले ने इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा और मुझे उम्मीद है कि समुद्री बादलों से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह रात के अवकात पर पेश के मुताबिक हल्की बारिश और कुछ इलाकों में प्रॉपर बारिश भी होती रही और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और फौर का सिलसिला भी इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ जारी रहा, जिसकी वजह से कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार है। और दोपहर के अवकात में भी कराची में तेज़ समुद्री हवाओं के बायस कराची में गर्मी की शिद्दत तकरीबन ख़त्म ही हो गई और कराची में काफ़ी हद तक अच्छा मौसम रहा। जैसे कि मैं आप लोगों को पेश में कहा था कि कराची में एक और सर्कुलेशन के जरिए से कराची में हफ्ता या एतवार से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो हमने देखा कि आज हफ्ते के दिन तो कराची का मौसम काफ़ी तक अच्छा रहा। दर्जे हरारत भी 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। तमाम अब इतवार के दिन से क्या होगा, जो सोमालियन टेस्ट की जो शिद्दत है वो कल बरस इतवार से काफ़ी तक कम हो जाएगी। और हमने देखा कि सोमालियन टेस्ट की वजह से कराची में पिछले तीन वर्ष से काफ़ी तक अच्छा मौसम रहा और बूंदाबांदी भी हुई मुख्तलिफ इलाकों में। तो यही सोमालियन टेस्ट की जो शिद्दत है वो कल बरस इतवार से कम होना शुरू हो जाएगी और कल कराची में दर्जा पर 1 से 2 डिग्री इजाफा होगा। कल कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने के इम्कान मौजूद है। दर्जा हालत में 1 से 2 डिग्री इजाफा होगा। जैसे मैं आप लोगों को अपनी पेशों में बताया था कि कराची में हफ्ता एतवार से गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा होने के चांसेस मौजूद है। अब हम बात करते हैं कराची में गर्मी कब होगी। लेकिन गर्मी से पहले सबसे पहले बारिशों के बारे में बात कर लेते हैं कि कराची वाले बारिशों के लिए काफ़ी बेताब हैं कि कराची में मानसून का जो तीसरा सिलसिला है वो कब आएगा। क्योंकि पहला सिलसिला तो हमने देखा कि जुलाई जून के आखिर में आया, जिससे काफ़ी कराची वालों को मायूस किया और दूसरे सिलसिले ने कराची वालों को गर्मी और बारिश दोनों यादें फराहम की। अब हम बात करते हैं तीसरे सिलसिले के बारे में। तो छोटे से वक्फे के बाद मानसून एक बार फिर सिंध में फॉल होने जा रहा है। हमारी जानिब से पहले मानसून सिलसिले के बाद बता दिया गया था कि घबराने वाली बात नहीं है, मानसून अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है और बस जुलाई के बाद ताकतवर हवा के कम दबाव खलीज बंगाल में तश्कील पाएंगे, जो सिंध गुजरात की जानिब पेशकदमी करेंगे। गुज़श्ता दूसरे मानसून सिलसिले से शहर के सारे इलाकों के अलावा बाकी तमाम इलाकों में खसूस शुमाली और जो मशरक़ी इलाके शुमाल मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश और मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। मगर अब अगले सिलसिले में मजीद अच्छी और शहर भर में मूसलाधार बारिशों के इम्कान बन रहे हैं। अब आइंदा 24 घंटों के दौरान जैसे आप लोग देख सकते हैं 15 तारीख का मैंने डेटा यहाँ पे लोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 15 तारीख को खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव तश्कील पाने के चांसेस मौजूद हैं। इस दौरान गुजरात पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तश्कील पाएगी। बरोज मंगल यह हवा का कम दबाव मगरब की जानब साजगार सुरतः के तहत बढ़ेगा और बरोज मंगल को ये वस्ती भारत तक आ जाएगा। इस दौरान जो गुजरात में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगी, अब हम मंगल के डेटा की तरफ चले जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हवा का कम दबाव मगरब की जानब बढ़ता हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो गुजरात में बनी है उसके अंदर जम हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही हो रहा है। जम होने के बाद ये एक हवा ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी ये एक हवा की कम दबाव में तब्दील हो जाएगी और ये बरोज बुध और जुमेरात को जनूबी सिंध के नज़दीक आ जाएगी और बहर अरब में आने के इसके चांसेस मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं जिसके सबब इन इस हवा के कम दबाव के बहरे में जाने के सबब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसा शिमशिकी जनूबी और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से कबल अब कराची वालों के थोड़ी सी बुरी न्यूज़ ये है कि बारिशों से कबल कराची में पी से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। पी से लेकर बुध तक कराची में शदीद गर्मी होगी और मौसम काफ़ी तक खुश्क रहेगा, पसीने वाला रहेगा। हवा में नमी का तासर ज़्यादा होने के सबब मौसम में मरतूबियत रहेगी और कराची का मौसम काफ़ी तक मरतूब रहेगा। ये एक हीट वेव टाइप कराची के लिए कंडीशन होगी क्योंकि जो लो प्रेशर है वो बहरे अरब में जाएगा और लो प्रेशर के सबब समुद्री हवाएं जो है वो कराची से कट ऑफ हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कराची में मानसून का जो तीसरा जो सिलसिला है वो बरोस पी से ही सिंध में शुरू हो जाएगा। जो मानसून बारिशों का जो तीसरा सिलसिला है वो सिंध में तो बरोस पी से शुरू होगा क्योंकि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बना है जो कि वस्ती भारत तक आया और सर्कुलेशन में जम हुआ है, जिसके सबब जो मानसून ट्रफ था जो हमने देखा था कि बालाई इलाकों की जानिब शिफ्ट हो गया था वो अब एक बार फिर जुनूब की जानिब शिफ्ट हो जाएगा, जिसके सबब कराची समेत सिंध भर में बारिशें होंगी। सिंध में तो सिलसिला पीछे शुरू होगा। तमाम कराची में बारिशों का जो सिलसिला है वो मंगल 16 तारीख या फिर बुध 17 तारीख से शुरू होने के इम्कान मौजूद है, जो बाद में शिद्दत अख्तियार करके कराची में मूसलाधार बारिशों का सबब बनेगा। मंगल को भी कराची में बारिश के कुछ इम्कान बन रहे हैं
और मंगल या बुध से सिलसिला कराची को असरअंदाज करेगा, जिसकी अपडेट मजीद अपडेट्स आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ये सिस्टम कराची को 20 जुलाई तक मुतासर करता रहेगा। जो कराची में बारिश का सिलसिला मंगल या बुध को शुरू होगा वो बाद में मजीद जाकर शिद्दत अख्तियार करेगा और कराची में मूसलाधार बारिश का सबब बनेगा और ये सिस्टम 20 जुलाई तक कराची समेत सिंध में फिर से जारी रहने के चांसेस मौजूद है। एक आप लोगों से बात करनी है कि बारिश की जो तारीखों हैं, जो तारीख हैं और जो दिन हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ सकती हैं, क्योंकि अभी तक सिस्टम की तशकील भी नहीं हुई है, लेकिन अगले हफ्ते बहुत अच्छी बारिश आ रही है, इसके लिए आप लोग लाजमी तैयार रहें। बाकी हम सिर्फ पेशगोई कर सकते हैं, बेहतर अल्लाह पाक जानता है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि कराची में रहमत वाली बारिश हो, क्योंकि जैसे मतलब सिस्टम देखे तशकील नहीं पाए तो तारीखों में थोड़ी बहुत आगे पीछे तारीखें हो सकती हैं, जिसके बाद आप लोगों के साथ मजीद अपडेट्स आप लोगों को आने वाले दिनों में दी जाएंगी। बारिशों का तो कराची में काफ़ी तक कन्फर्म हो गया है और गर्मी का भी कन्फर्म हो गया है, तो समझे आप लोग, आप लोग जानते हैं कि कराची में बारिश से पहले गर्मी जरूर आती है, चाहे वो 2020 का मानसून हो या 2022 का मानसून हो। इस पेशगोई का बिल्कुल भी हतमी मत समझिएगा, क्योंकि आजकल जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी चेंज भी हो रहे हैं। हम आप लोगों के साथ मजीद अपडेट्स भी आने वाले दिनों में शेयर करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते कराची में काफ़ी अच्छी बारिश है कराची को मुतासर करने के लिए आ रही, तो आप लोग तैयारी भरपूर रखें और हमें उम्मीद है कि कराची में काफ़ी तक अच्छी बारिशें होंगी, तो हम तारीखों में थोड़ा बहुत रद्द बदल आ सकता है, जिसके बाद से आप लोगों के साथ मजीद अपडेट्स जो है वो आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। मजीद अपडेट्स के लिए कराची में शुक्रिया के साथ रहें। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और भूलिएगा। तब तक के लिए हाफिज़ आज़ीम, फिर मिलेंगे।